सारी। अगर मैंने अपने हालात बता दिए ना, हाँ, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, हाँ, तो तुम भी मर जाओगे महाराज। तो मैं नहीं तो पूछो हूँ बार बार, तेरा आगे हाथ जोड़ो हूँ, बता तो दे। कान खोल ले। सब कुछ खोल लिया तो सुन मेरी बात। हाँ। और तेरे भाई ने भैया की सुतरे भाई ने मेरी आबरो तारी, भैया की सुतरे भाई और मेरी आबरो तारी। कोप भवन में कोप लगी, सुन मेरी पिंगला प्यारी। और भैया की सु, भैया की सु, भैया की सु तेरे भाई ने विक्रम। हाँ मेरा भाई छोटा विक्रम मेरे महलों में आया था महाराज। अच्छा। मैंने तो अपना बालक समझा, हाँ, टाबर समझा। वो बालक है, वो टाबर है गुरुजी, बिल्कुल। मेरे धोरे बुला लिया मैंने वो बड़े प्यार सु। अच्छा महाराज। हाँ। मैंने तो बालक समझा पर वो तो बालक ना है महाराज। और बड़ा हो लिया अब वो तो। बड़े तो सभी हो या करते। बहुत गंदी गंदी हरकत करके गया महाराज मेरी घर। कौन? तेरा भाई विक्रम। विक्रम? हाँ विक्रम। आ विक्रम। नहीं तू झूठ बोलती। सच बोलू। मेरा छोटा भाई विक्रम कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाँ तेरा तो भाई है, तने क्यों लगेगा। मैं तो पराई हूँ महाराज। सुन मेरा कौन है। आदमी हो तो भाई ऐसा हो, इसे 101 दे हर मुझे केवल 100 रुपए दे। ऐसे ऐसे आदमी भाई साहब जो दूसरे के घर को बिगड़वावे। ले इनने भी तू ही ले ले। हाँ। भूखी नीत के रख इन्हें। सुन सुनिए। सोच लिया होता ठीक समय पे। हाँ। ठीक समय पे क्या? ठीक समय पे बांदी आगी ना तो मुंह भी पोछ लिया होता। ठीक समय पे बांदी आगी ना तो मुंह भी पोछ लिया होता। अरे दोष लगावन ते पहले, ए दोष लगावन ते पहले कुछ कर संकोच लिया होता। वो तो जान बचा के, जान बचा के, जान बचा के भाग गया बा, तीने तो पोछ लिया होता। जान बचा के भाग गया बा, होता। सुन के झूठा दोष चली से। अच्छा। सुन के झूठा दोष चली से। सुन के झूठा दोष चली से मेरे जिगर पे आरी। भैया की सुतरे भाई ने मेरी आबरो तारी।
समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई। थारे समझ में कुछ आ रही है, मैं क्या कह रही हूँ? सारी आ रही है, तब मेरी गैल हो ना, तो एक बार ताली बजा के बताओ कितनी बात समझ में आ रही है मेरी। समझ ही समझ में आ रही। किशन भाई ने देख ले, रजिस्टर ले रखा, लिख रहा है एक एक बात। मैं न्यू कह रही हूँ पिया जी। क्या कह रही है? एक एक बात सच पावेगी मेरी एक एक बात। मेरे से बहुत छोटी उम्र का है मेरा भाई। अरे छोटी उम्र का तो है, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने भाई से। अपने भाई विक्रम से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मुझसे? तेरे से भी करता हूँ। वो तो भाई है। हाँ। और मैं? तू लुगाई है। हाँ, वही तो बात है महाराज। लेकिन सारा दरबार देख के है बेरन, कम से कम मेरी शर्म ना कर तो इस सरदारी की तो कर ले। ये पूरा दरबार देख रहा है। यो दरबार आज अलग को कुछ ज्यादा बैठेगा या ना, मजा ना आ रहा है। या दरबार एक एक बात खोल के बताइए महाराज। बात क्या खोल के बताऊं? मेरी बात सुन। मेरे दो राजा महाराज। देख, छोटा भाई विक्रम है, उसके ऊपर दोष लगाना ठीक नहीं। हेलो, झूठा दोष लगावे? दोष ना लगाओ हो, आज ना फांसी पे चढ़ाऊंगी। फांसी पे कौन चढ़ावेगा? मैं चढ़ाऊंगी। कैसे चढ़ाएगी? तुम चढ़ाओगे पियाजी, मैं कौन होती हूँ चढ़ाने वाली? सुन का पानी करोगे आप? अगर मैं बात सही कहूं, मेरी बात सही लगे तो भाई साहब सुन के ताली जरूर बजा दी। और मेरी बात सही लगे तो ताली बजाइयो। जो असली मर्द हो, यानी कि जो मेरे भाई हो, हाँ? जो मेरे भाई हो, मेरी बात पर ताली बजा दियो। अगर कोई इसका भाई बैठा हो तो बेशक मत बजाइए। सुन के सुनिए, आज कत्ती कौन गया? तू कैसा? हाँ। अरे तू कैसा दिखे, तू कैसा भरतार नार का बड़े हिमाती कौन गया? चाहती कोन्या तुम दोनों की हाँ। तुम दोनों की बनू लुगाई मेरी इतनी छाती कोन्या। तुम दोनों की बनू लुगाई इतनी छाती कोन्या। तर तर चले से जुबा तेरी रे, तर तर चले जुबा तेरी रे, तर तर चले मकारी। अरे वो ठाडा दिखे, वो ठाडा, अरे वो ठाडा, मैं हीनी थी न्यू धरती पे दे मारी। भैया के सुंदर भाई ने मेरे अब रोतारी। बहू बनाना चाहता है हाँ। वो विक्रम
सही कह रही है? सही कह रही हूँ ना मैं। क्या पिंगला सही कह रही है कि विक्रमी से बहू बनाना चाहे अपनी? हाँ भाइयों तुम बताइयो रे, झूठ बोले है सारा दरबार नाटे है। तन्ने के पता तेरी गैल थोड़ी हुई है, हरकत मेरी गैल हुई है, ने के पता। सुन मेरे जीते पूछ महाराज क्या का भीत रही है मेरे दिल में। बकवाद दिखे तने महला के माँ, महला के माँ, महला के माँ सांड पाल के छोड़ दिया आजाद दिखे। महला के माँ सांड पाल के छोड़ दिया आजाद दिखे। भाई थारे पल्ले पड़ जाए, बात अच्छी लग जाए तो सुन के ताली जरूर चाहूंगा। समझना चाहिए छोटा देवर, समझना चाहिए छोटा देवर अपनी किसी औलाद दिखे। वो हुआ एक समय, हुआ एक समय, हुआ एक समय चूर पिया तू किसकी कराई मदद दिखे। हुआ एक समय चूर दिखे तू किसकी कराई मदद दिखे। निर्दोषी पे दोष लगावे, निर्दोषी पे दोष लगावे, निर्दोषी पे दोष लगावे। दुख भोगेगी कलहारी, हाथ पकड़ दिखे, हाथ पकड़ ताऊ पगड़ी वाले, हाथ पकड़ इसा झटका मारा चूड़ी चटकी सारी। भैया की सुतर भाई ओ दरिया मरो तारी। छा
चखा दू रामपाल उस मजा चखा दू रामपाल उस मजा चखा दू अरे तू सभी बीमारी और सुन अगर उसको फांसी पे नहीं चढ़ाया तो क्या हो जाएगा क्या करेगी दिक्के भाई के उस विक्रम के उस विक्रम के मोह में आ गया तो तू न्यारा मैं न्यारी विक्रम के मोह में आ गया तो तू न्यारा मैं न्यारी एक बहुत ही विख्यात शख्सियत बड़े ही समाज सेवी भाई राकेश जी हैदपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं यहाँ पहुंचने पर हमारी कमेटी इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान करना चाहती है मेरी प्रार्थना है भाई राकेश हैदपुर से जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं और उनसे मेरी करवट प्रार्थना है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान लें हमारी ये मंदिर कमेटी उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करेगी हमारे बड़े आदरणीय बड़े समाजसेवी भाई राकेश जी हैदपुर से कृपया उनसे मेरी प्रार्थना है वो आए और मंच पर अपना स्थान लें धन्यवाद आइए साथियों से बताया सुनिएगा जरा हेरे नुगरा चाले धरती हाले नुगरा चाले धरती हाले हर इंसान डरे उसके रूप भगत और शब्द ऋषि महाभारत और भगवत गीता वेद पुराण डरे उससे और के ज्यादा जिक्र करूं जब खुद भगवान डरे
और गरीबी, जब अमीरी होती है तो दूर से लोग आकर के सलाम ठोकते हैं, लेकिन जब गरीबी होती है परिवार वाले सगे भाई उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। सुनेगा दूसरी कड़ी में क्या बताया वाला। हेरे परमेश्वर ने दो जात बना दी, परमेश्वर ने दो जात बना दी, टोटा और साहूकारा, जिस मानस के टोटा आ जा भाई दे दो तिकारा, जिस धोरे दो आने हो जा सबने लागे प्यारा, एक पेड़ पे कई फल लागे कोई मीठा कोई खारा, जन के प्रिय बड़े ही समाज सेवी बड़े ही दानवीर भाई राकेश जियादपुर से पहुंचे हैं। आइए जो आज हमारे बाबा शिव शक्ति धाम बड़ा जोहर कुकरोला की पावन धरा पर पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तरह से उनका सम्मान हो जाए साथियों। आइए बड़े ही समाज सेवी हैं जो जगह जगह बड़ी बड़ी ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं, और आइए साथियों वो महान शख्सियत हमारे बीच में आज पहुंची है। आइए यहाँ पहुंचने पर समस्त गांव कुकड़ौला और पचगांव की सरदारी उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है। आइए साथियों उनका सम्मान हमारी समस्त कमेटी पगड़ी बांध करके उनका सम्मान करेगी। आइए साथियों और हमारे बड़े ही दानवीर भाई राकेश जियादपुर से, लेकिन आज हमारी टीम थोड़ी बड़ी है भाई साहब, टीम थोड़ी बड़ी है और 11,000 रुपए से हमारी टीम का, क्योंकि मेरा अधिकार भी है भाई साहब आप पर, तो आइए क्योंकि आज टीम बड़ी है और 11,000 रुपए देकर के हमारी टीम का सम्मान करते हैं और 51,000 रुपए का दान मंदिर के लिए दिया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बाबा झोलवाड़े की। आइए अच्छा तो क्या बता दिया चाहिए, हमेशा जिसका
लेता है उसका देना चाहिए, अपने मन के अंदर कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। चौथी कड़ी के माध्यम से क्या कहा सुनेगा जरा। कर्ण बच्चा कट जाने से कर्ण को सबसी क्यों रथे तीन कदम हट जाने से कर्ण को सबसी क्यों रथे तीन कदम हट जाने से। और मैं तो गया मान मन में दिन की होगी रात अर्जुन इस रण में, अरे इस रण में जब यो ढंग से फिर आगे के हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से दू मैं काढ़ रे कदे मुख से दू मैं लेकिन कृष्ण भगवान हाँ जिस कर्ण बलि की तुम बड़ाई करते हो इसने सिर्फ तीन कदम रथ पीछे हटाया मेरा, लेकिन मैंने सात सात कदम 21-21 कदम इसका रथ को पीछे हटा चुका हूं। मैं सात कदम रथ पीछे हटा चुके हो बिल्कुल, 21 कदम भी हटा चुके हो बिल्कुल महाराज, लेकिन जो चीजें आज मैंने अपनी आंखों से देखी हैं अर्जुन शायद वो तुम्हें दिखाई ना दी हो। और मैं चाहता हूँ
कि तुम हथियार उठाओ युद्ध करो, क्योंकि अगर मैंने इन बातों से राज खोल दिया, पर्दा हटा दिया, हो सकता है तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाए। कुछ कहना चाहते हो तो कहिए अपनी बात। किया जबर नहीं शाबाशी की धबनी क्यों हुई, किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर अवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर अवे बिना सुने सबर नहीं। और थोड़ी सी सुनाऊ अर्जुन, थोड़ी सी सुनाऊ अर्जुन, मान तो घटा गया करण, पता नहीं खून रण में बाण को चटा गया करण, तीन कदम तीन लोग हमें पाछे ने हटा गया करण, तीन कदम तीन लोग पाछे ने हटा गया करण, हो बाण मारे भर के जो सामी आ जाए तो धड़ से शीश को अलग कर सकता हूं मैं। सुन लो प्रेमी श्रोताओं, अर्जुन कह रहा है कि ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण भी आ जाए तो भी पीछे नहीं हट सकता। बिल्कुल महाराज, होश में आ जा अर्जुन, होश में, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं शायद तुम्हें चक्कर आ जाए, सुन ना सको, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके बताना चाहता हूं। और भी बताओ के कुछ। हाँ सुनते रहो, मेरी पहले अपनी बात कह दे, फिर सुन ले मेरी। पाछे हट गए बात का हृदय में धरूं, पिया न दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं, पिया न दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिधाड़ दिया, शेषनाग अरे शेषनाग रथ के पहियों में फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर भूखे सने फाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर भूखे सने फाड़ दिया, हो देख के भूल गया ओ सार रे, देख के भूल गया ओ सार, बदला दो ये भेद। Thank you.
मैं तो महाराज इसके सामने डट नहीं सकता, अगर मुझे ऐसे पता होती कि इतनी बड़ी बड़ी शक्ति जो मेरे सामने है, हाँ। मेरे पास है, हाँ। जब भी इसने मेरा तीन कदम रथ पीछे हटा दिया, आ गया होश में, बिल्कुल होश में आ गया महाराज, होश बिल्कुल ठिकाने पर है, बिल्कुल। अब भी कुछ कहना चाहते हो महाराज? हाँ। इस युद्ध में मुझे जीत का मार्ग बताए, जीत कैसे होगी मेरी? जीत करनी चाहिए, हाँ, अपनी जीत करनी है, बिल्कुल। कह दे अपनी बात, सुन ले मेरी, सुन ले मेरी बात, आइए। जता तो प्रभु जानते हो हाल जान, माया का रचा तो प्रभु भूलो ना, अरे भूलो ना ऐसा जान मेरी, करण ते बचा दे प्रभु भूलो ना ऐसा जान मेरी, करण ते बचा दे प्रभु। अपने कर्म की होगी राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लटन सिंह लड़े जारण में, जीत तो धर्म की होगी, लटन सिंह लड़े जारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता